भाजपा ने कहा, रामलीला मैदान में रैली फ्लॉप शो, केजरीवाल को मिले समर्थन पर भी उठाए सवाल। जी हां, आपको बता दें कि विपक्ष ने रामलीला मैदान में रविवार को आयोजित लोकतंत्र बचाओ रैली को बहुत सफल बताया है। विपक्ष ने कहा कि इस रैली से निकले संदेश जनता तक जाएंगे और लोकसभा चुनावों पर इसका असर होगा, लेकिन भाजपा ने इस रैली को पूरी तरह फ्लॉप बताया है। पार्टी ने कहा है कि विपक्ष इस रैली के लिए भीड़ तक नहीं जुटा सका। ये बताता है कि आगामी लोकसभा चुनावों में विपक्ष को जनता का समर्थन नहीं मिलने वाला है। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी इन चुनावों में लगभग 21 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन इसके बाद भी वे राष्ट्रीय स्तर पर गारंटी जारी कर रही है। ये बताता है कि उसे अपनी राजनीतिक जमीन का कोई अंदाजा नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन दिल्ली में अपने पहले शो में छाप छोड़ने में विफल रहा है, क्योंकि दिल्ली वासियों ने दो मुख्य साझेदारों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के रैली आह्वान को खारिज कर दिया। भाजपा नेता का आरोप है कि इस रैली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच मतभेद भी साफ दिखाई पड़ गया, क्योंकि मंच से अरविंद केजरीवाल की बड़ी तस्वीर को कांग्रेस के विरोध के बाद हटा दिया गया। सचदेवा ने कहा कि आपके 61 विधायक रैली के लिए 6,100 लोग भी जुटाने में असफल रहे। ये बताता है कि आम आदमी पार्टी के पास लोगों का समर्थन समाप्त होता जा रहा है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी द्वारा आयोजित इंडिया गठबंधन की महारैली रामलीला मैदान में हुई। रैली में राहुल गांधी ने कहा कि हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है, हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले दो खिलाड़ियों को गिरफ्तार करके अंदर कर दिया गया। ये जो उनका 400 पार का नारा है, वो बिना मैच फिक्सिंग के 80 पार नहीं हो सकता है। इससे पहले सुनीता केजरीवाल ने विपक्षी गठबंधन की महारैली में केजरीवाल का संदेश पढ़ा। उन्होंने कहा, मेरे पति को जेल में डाल दिया गया, वे जनता की भलाई के लिए लड़ रहे हैं, करोड़ों लोगों के दिल में केजरीवाल हैं। इंडिया गठबंधन की महारैली के मद्देनजर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा की थी। रामलीला मैदान के हर द्वार पर जांच की व्यवस्था के साथ ही आसपास के इलाके में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार समेत कई बड़े नेता इस महारैली में शामिल हुए। कांग्रेस ने शनिवार को कहा था कि रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया की लोकतंत्र बचाओ रैली का उद्देश्य किसी व्यक्ति की रक्षा करना नहीं, बल्कि संविधान और लोकतंत्र को बचाना है। राष्ट्रीय राजधानी के रामलीला मैदान में होने वाली लोकतंत्र बचाओ रैली पिछले हफ्ते दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आयोजित की गई, लेकिन इसे लोकसभा चुनाव के पहले इंडिया गठबंधन की एकता और शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा गया। इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।